आपके साथ आयुषी शर्मा, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। ओलंपिक खेल एसोसिएशन के बैतूल जिला अध्यक्ष बनने पर अखिलेश मालवीय दादा भाई आज भोपाल के फॉर्च्यून डी लाइट सिटी में उनके शुभचिंतक राहुल दाहिया के नेतृत्व में पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं अखिलेश मालवीय दादा ने सम्मान के लिए सभी का धन्यवाद दिया एवं उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है शहर के स्पोर्ट के युवाओं को पूर्ण रूप से सुविधा प्रदान करवाना। सर, आपको ओलंपिक का बैतूल जिला अध्यक्ष बनाया है और दाहिया फैंस क्लब द्वारा शानदार स्वागत किया है। युवाओं को आपके अंदर भविष्य तलाश रहे हैं। बैतूल बहुत पिछड़ा हुआ शहर है और वहाँ पे आप जैसे समझदार युवा को जिम्मेदारी दिए, तो आप क्या नए वो करेंगे? एक बैतूल जिले को ओलंपिक एसोसिएशन का लंबे समय से इंतजार था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई आदरणीय रमेश मेंदोला जी, जो ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी जो प्रदेश सचिव हैं, एवं अन्य पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमारे ज़िले की बात को समझा और हमको ज़िले का एफिलिएशन दिया। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में ज़िले से ग्रामीण क्षेत्र से, चूँकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हम चाहेंगे यहाँ से कि आदिवासी छात्रों को छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौका मिले। हम उनके लिए ऐसे संसाधन जुटाएंगे, हमारे कार्यकाल में हम इतना करेंगे कि जिले की प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचे। सर, आप खेल के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हो, आपने कई टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में शिरकत की है, तो बैतूल जिले को क्या प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर आप उभार के लाएंगे? मेरी कोशिश है, मेरे पूरे साथियों की कोशिश रहेगी कि हम इसको जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। जिले का नाम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। पहले भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के बुजुर्ग खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी हमारे ज़िले का नाम किया है और काफ़ी टूर्नामेंट भी हमारे यहाँ पे हुए हैं। सर, आज सबसे बड़ी समस्या बैतूल ज़िले में स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर, जिनकी हालत बड़ी दयनीय हो रही, उन स्पोर्ट्स ग्राउंड का कैसा रूपरेखा नया प्रदान करेंगे? आगे हम रूपरेखा बना रहे हैं इसकी, शासन से, प्रशासन से, हमारे स्तर पर जो भी अच्छा प्रयास होगा हमारे द्वारा किया जाएगा। सर, आज पूरी युवाओं में नया जोश है, उस जोश का नज़ारा आपके पुष्पमाला बता रही है और मिठाइयाँ आपको खिलाकर जोश के साथ आपका स्वागत किया गया, उन दाहिया परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त दाहिया परिवार और समस्त मित्र मंडलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहूँगा कि इस मेरे आगे जो मेरे सामने समस्याएँ हैं खेल को आगे ले जाने के लिए, उसमें मेरा पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। तरुण जी, आपको बैतूल जिले में सचिव की जिम्मेदारी दी है, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, उसको कैसे आप पूरी करेंगे? सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को, हम बैतूल जिला ओलंपिक संघ की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बैतूल में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वहाँ पर उन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आना, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुई। और उन बच्चों के लिए हम सारे संसाधन, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, सारे संसाधनों की व्यवस्था हम करेंगे और सारे लोगों का इसमें हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा, सभी लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और सभी की सहयोग की अपेक्षा को हम हमारे साथ में जोड़ते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य और खेलकूद की गतिविधियों को आगे संचालित करने में हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं आदिवासी एरिया है, आर्थिक परिस्थितियां खराब है, कि युवा बाहर जाने में असमर्थ है, तो उन्हें किस प्रकार आप निकाल के बाहर लाएंगे? क्योंकि बैतूल ज़िला हमारा जो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बैतूल ज़िले में प्रतिभाओं की कमी भी नहीं है और आदिवासी अंचलों में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार के एथलीट और अन्य जो गतिविधियाँ और खेलकूद की गतिविधियाँ उसमें अपने आप को आगे तक ले जा चुके हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि उनको उस बैतूल मुख्यालय के मंच पे सारी सुविधाएं यदि मिल जाती है और वहाँ से उनको हमारा सहयोग से अगर वो इन्हें आगे बढ़कर जिले का, राष्ट्र का, देश का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए कुछ नहीं। आज आपके द्वारा अखिलेश मालवीय जी का बैतूल जिला ओलंपिक के अध्यक्ष बनने पर शानदार स्वागत किया गया, आप उसे क्या अपेक्षा रखते हो? सबसे
सबसे पहले तो मैं दाहिया मित्र मंडल की ओर से हमारे बड़े भैया दादा भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो बैतूल जिला अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है, आज दाहिया मित्र मंडल द्वारा भव्य स्वागत किया गया है दादा का, और आशा करता हूँ दादा अच्छे से अच्छे प्रतिभागियों को ऊपर लेकर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी समाज सेवक तो हैं हमारे बड़े भैया, लेकिन खेल प्रेम भी उनमें काफ़ी है उनके दिल में, तो मैंने निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को लेके जाएंगे, मैं आशा करता हूँ दादा से। अखिलेश मालवीय जी को आप किस प्रकार बधाई देना चाहेंगे? मैं दादा भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, तो अभी तक जितनी प्रॉब्लम रहती रही हैं और बहुत सारी जो हमारी प्रतिभा बैतूल जिले में आगे आना चाहती थी तो किसी न कारणों से वो रुक जाती थी, तो दादा भाई के बनने के बाद ये समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि दादा भाई बहुत बड़े नेतृत्व करता है और बिल्कुल सही जिम्मेदारी उनको दी है। तो जिस तरीके से प्रॉब्लम अभी चली आ रही थी, प्रॉब्लम का सलूशन एक तरीके से कहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख हो तो दवाई खा लेते हैं, तो अब किसी प्रकार की प्रॉब्लम बैतूल जिले में नहीं होगी और जितनी प्रतिभा वो आगे आएंगे दादा भाई के नेतृत्व में। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और युवा प्रतिभा जो निकल कर आती है उन्हें फुल सपोर्ट देते रहें और देश और हमारे भविष्य का नाम रोशन करें और ओलंपिक में जाकर मेडल जीत कर आएँ, ऐसी कामना करता हूँ। तो मैं दादा भाई को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ।